So, आज से दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ दैट लिटरली शॉक्ड द होल DHH कम्युनिटी. सो एनीवे वंटाई कुछ दिन पहले दुबई गए हुए थे और दुबई में वो जाके मिलते हैं इमरान खान के साथ. और ना ही इन दोनों की वहां पे सिर्फ मुलाकात होती है बल्कि ये दोनों साथ में पिक्चर्स भी अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे रिस्पेक्टिवली शेयर करते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके मैनेजमेंट से हमें ये भी न्यूज पता चलती है कि हमें इन दोनों का फ्यूचर में कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है. वीडियो सीन क्या बोलते बोले आईके और एबी साथ में शॉर्ट देने आए लिखा था क्या बोलते मुंबई से सीधा दुबई मजाक नहीं. So, अब तुम सोच रहे होगे ठीक है ना भाई, एमवे वंटाई अच्छे आर्टिस्ट है, इमरान खान इज अ लेजेंड, ठीक है उनकी लेगेसी के बारे में क्या ही बताऊं मैं. तो इन दोनों के एक दूसरे का काम पसंद आया होगा और आर्टिस्ट कोलैबोरेशन करते रहते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है, इतनी ज्यादा हलचल क्यों मच रही है इसके लिए DHH पे. So, इसके पीछे की जो रीजन है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. So, पूरे मैटर को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे. आज से ठीक 5 महीने पहले एमवे वंटाई का हमें एक सिंगल देखने को मिला जो कि उनके एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का था. ट्रैक का नाम था सीन चेंज. और ये ट्रैक जब रिलीज हुआ ना, इस ट्रैक की साउंड बहुत ज्यादा सिमिलर थी इमरान खान के ट्रैक प्रेसिडेंट रोली से. और ये ट्रैक जब ऑफिशियली रिलीज हो गया और लोगों ने सुना, जब उन्हें पता चला कि ये इमरान खान के ट्रैक से सिमिलर है, लोग एमवे वंटाई को बहुत ज्यादा ट्रॉल करने लग गए एंड इवन उन्हें सस्ता इमरान खान तक बुलाया गया. और इसके बाद एमवे वंटाई एक इंस्टाग्राम लाइव करते हैं जहां पे वो ये बताते हैं कि ये ट्रैक एक्चुअली इमरान खान के साथ एमवे वंटाई का कोलैबोरेशन होने वाला था. इस रीजन की वजह से ये जो ट्रैक है वो इमरान खान से बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है. चीज और बोलना चाहता हूँ कि सीन चेंज जो गाना है वो गाना काफी लोग बोल रहे थे कि इमरान खान वाइब्स एंड ऑल ये वो. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इमरान खान जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है माशाल्लाह, एक टाइम पे अपन उनके गाने सुनने गए और उनका साउंड सुनने गए और वो टाइम पे लाइक इमरान खान जो साउंड लेके आए थे वो साउंड फटे फ्रेश और न्यू साउंड था और वो बहुत बड़ा साउंड था, है ना. एंड वो साउंड से ऑब्वियसली बात है ये गाना इंस्पायर्ड है उस वाइब से लेके, क्योंकि दैट इज़ इमरान खान साउंड जो काइंड ऑफ म्यूजिक और जिस काइंड ऑफ फ्लो में यू नो जाना रहता है. क्यों बनाया मैंने ऐसा, क्योंकि वो गाना मैं बना के मैं इमरान खान को ही भेजा था, उनको ही भेजा सिंस मेरी उनसे बातचीत होती रहती है. एंड ये गाना मैं उनके साथ ही बनाने वाला था, बट हम दोनों का गाना अगर साथ में बाहर निकलता तो टाइम लग जाता, क्योंकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है और मैं भी चीजों में बिजी और मैं इसको डिले नहीं करना चाह रहा था. और एमवे के इस स्टेटमेंट के बाद अगेन DHH में डिबेट स्टार्ट हो गई कि एमवे झूठ बोल रहे हैं, एमवे का कोलैबोरेशन इमरान खान के साथ हो ही नहीं सकता है. और जो लोग इसे काउंटर कर रहे थे उनका ये पॉइंट था कि इमरान खान को अंकित खन्ना मैनेज करते हैं. अंकित खन्ना जो कि कलमकार के भी मैनेजर है, कलमकार के भी ओनर है, और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एमवे और कलमकार का क्या रिलेशन है, कितनी ज्यादा फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में, ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अंकित खन्ना जो कि इमरान खान को मैनेज करते हैं, उनके मैनेजर है, वो इमरान खान और एमवे वंटाई का कोलैबोरेशन होने दे. और ऐसा कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि अंकित खन्ना नहीं होने देंगे ये कोलैबोरेशन. और सिर्फ यही रीजन था, मैंने भी उस टाइम पे ये बोला था कि शायद एमवे और इमरान खान का कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि अंकित खन्ना इमरान खान के मैनेजर है. और मैं ये बात नहीं बोल रहा था, पूरी DHH कम्युनिटी इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रही थी, ठीक है. तो जो लोग अभी मेरा जो क्लिप पुराना क्लिप निकाल के वायरल कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं ना, बस मेरा एक ही पॉइंट था उसमें कि इमरान खान को मैनेज करते हैं अंकित खन्ना कोलैबोरेशन नहीं होने देंगे. मैं ये नहीं बोल रहा था कि भाई एमवे स्किल्ड नहीं है या फिर एमवे कैपेबल नहीं है, ठीक है. एमवे मैं चाहता था लिटरली कि भाई हो कोलैबोरेशन, बट मुझे लग रहा था कि नहीं होगा क्योंकि अंकित खन्ना मैनेज करते हैं. चलो इस बात को साइड में रखते हैं, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे. सो इमरान खान ने कुछ हफ्ते पहले अपना अवेटेड एल्बम आईके सीजन से अनाउंस कर दिया है. और इमरान खान बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, इवन डिस्कॉर्ड पे, और हमें इमरान खान के साइड से रेगुलर उनके एल्बम के ऊपर अपडेट सुनने को मिल रहा है. पहले इमरान खान हमें हनी सिंह के साथ स्पॉट हुए और अब दुबई में इमरान खान को एमवे वंटाई के साथ स्पॉट किया गया. ओके, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, भी बहुत कुछ है डिस्कस करने को. क्या ये जो कोलैबोरेशन आने वाला है एमवे और इमरान खान का, ये सिंगल ट्रैक होने वाला है या फिर एक एल्बम का पार्ट होने वाला है, क्या अंकित खन्ना अभी भी इमरान खान को मैनेज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे उनके मैनेजमेंट के अंदर इमरान खान और एमवे वंटाई का हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे. पर उसके पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज है जो मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और मुझे भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे। चेक दिस। सो क्या तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे करें, या फिर तुमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है बट वो चैनल डेड हो रखा है, उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर उसमें एंगेजमेंट जीरो हो रखी है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है जो यूट्यूब में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी 2 साल पहले यही हुआ था जब मैंने अपना चैनल यूट्यूब पे बनाया था, बट मैंने कुछ ट्रिक्स पैटर्न्स और तरीके को फॉलो किया जिससे जनवरी 2021 में मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स थे और आज मेरे पास 370,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। मेरे कुछ और भी यूट्यूब चैनल है और उसको अगर कंबाइन कर दे तो आई हैव मोर देन 4 लाख सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। सो मैंने ये किया कैसे, या फिर जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? सो इसका मैं एक लाइन में आंसर दूंगा जो सबसे एक्यूरेट आंसर है। हम लोग यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ एक YouTube का कोर्स जिसका नाम है YouTube 101, जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाया जाएगा कैसे तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो कैसे पढ़ाई के साथ साथ YouTube एज ए करियर चूज कर सकते हो, कैसे तुम्हें वीडियो एडिट करना है, कैसे तुम्हें स्क्रिप्टिंग करना है, कैसे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओगे या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाओगे, कैसे तुम अपने खुद के वीडियो को एडिट कर पाओगे बिना किसी वीडियो एडिटिंग नॉलेज के बिना। और ये सब करने के बाद ना ही सिर्फ तुम अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे बल्कि मोनेटाइज भी कर पाओगे और तुम अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हो YouTube से, एग्जैक्टली जैसा मैं कर रहा हूँ। तो इस कोर्स में तुम लोग को 10 आवर्स प्लस के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो भी पिछले 2-3 सालों में सीखा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं तुम लोग को इस कोर्स में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है, वही सेम आइडिया, वही सेम टेक्निक मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि तुम लोग भी अपने करियर पे ग्रो कर पाओ, अपना YouTube करियर स्टार्ट कर पाओ। सो अगर तुम देखो ना तो YouTube के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और मोस्टली जो प्राइस होती है वो होती है 2,000, 3,000, 5,000 रुपीज। बट आज अगर तुम रजिस्टर करते हो हमारे इस कोर्स के लिए, वैसे तो हमारे कोर्स की प्राइस है 1,999, बट हम स्टार्टिंग 100 मेंबर्स के लिए 76% ऑफ दे रहे हैं, 76%। और तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स सिर्फ 499 रुपीज में, लिमिटेड ऑफर है। और अगर तुम YouTube की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट मौका हो सकता है, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 499, ज्वाइन द कोर्स, एनरोल राइट नाउ। ओके, सो जितनी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की इससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों ये इमरान खान और एमवे बंटाई का पिक्चर जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, या फिर बहुत सारे लोगों को इस पिक्चर ने सरप्राइज कर रखा है और क्या रीजन है इसके पीछे। सो कल हमें इमरान खान के आईके सीजंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में इमरान खान और एमवे बंटाई का वीडियो देखने को मिला, एग्जैक्टली वैसा जैसे इमरान खान और हनी सिंह का वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। सो अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि हमें इन दोनों आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है और ये कोई सिंगल ट्रैक या फिर सोलो ट्रैक नहीं होगा, ये कोलैबोरेशन हमें आई के सीजंस जो इमरान खान का एल्बम आने वाला है उसमें ही देखने को मिलेगा। सो अब एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है डीएचएच का यूटोपिया आने वाला है, ठीक है, ऐसा हाइप बन रहा है। 5 साल से अनाउंसमेंट कर रखी है इमरान खान ने और अब ये एल्बम हमें देखने को मिलेगा। इस साल चांसेस मुझे कम ही लग रहा है बट होप जल्दी आ जाए, ठीक है। ओके, ये तो बात हो गई, अब आ जाते हैं उस सवाल पे, ये कैसे पॉसिबल हो गया इमरान खान को मैनेज करते हैं अंकित खन्ना, और अंकित खन्ना की मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए कैसे इमरान खान जो है वो एमवे बंटाई के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, अंकित खन्ना अब इमरान खान को मैनेज नहीं कर रहे। इसके रिगार्डिंग कल रेडिट पे एक पोस्ट भी शेयर हुआ था जहाँ पे इमरान खान ने अपने बायो से एक एक प्रोजेक्ट का नाम हटा दिया था। तो लोगों का ये मानना था कि अब अंकित खन्ना इमरान खान को मैनेज नहीं कर रहे और इस रीजन की वजह से ही ये कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पा रहा है। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है, इमरान खान के भाई ने डिस्कॉर्ड पे ये कंफर्म किया है कि उन लोगों ने अंकित खन्ना को रिमूव नहीं किया है और अंकित खन्ना अभी भी इमरान खान को मैनेज कर रहे हैं। अब आती है सेकंड पॉसिबिलिटी कि अंकित खन्ना इमरान खान को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर अंकित खन्ना इमरान खान के बिजनेस के लिमिटेड साइड को ही मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और चीज ये जैसे कि सॉन्ग मेकिंग, कोलैबोरेशंस, एल्बम में अंकित खन्ना इन्वॉल्व नहीं है और इसमें आईके या फिर इमरान खान का खुद का कॉल होता है कि वो किसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, किस आर्टिस्ट के साथ वो इन्वॉल्व होंगे
अपने एल्बम में। और इसी रीजन की वजह से इमरान खान और एमवी मंटाया कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर इमरान खान और हनी सिंह का कोलैबोरेशन भी इवन पॉसिबल हो पाएगा आई के सीजंस में। ओके, सो इमरान खान फाइनली 14 साल के बाद अपना एल्बम ड्रॉप कर रहे हैं, और जो कोलैबोरेशन की लिस्ट है ना, जब वो आगे आ रही है, सामने आ रही है, तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही है। कुछ बहुत बड़े कोलैबोरेशन हमें इस एल्बम में देखने को मिलने वाले हैं। सो तुम लोग कितने एक्साइटेड हो इस एल्बम के लिए कमेंट करके बताओ। और जितने भी इमरान खान के फैंस मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई की सीजन से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे, जितने भी न्यूज आएगा, वो तुम्हें सबसे पहले मेरे चैनल पे, रैप और के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम YouTube का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर तुम अपने करियर में, YouTube करियर में अच्छा करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो YouTube से, YouTube को अपना तुम सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, तो जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है प्लीज जाके एक बार चेक करो, ठीक है। तुम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, 14 डेज मनी बैक गारंटी है, तो भाई आराम से तुम करो। और ट्रस्टेड कोर्स है, और जब कोर्स स्टार्ट होगा चेक करना कैसा है, और चीजें तुम्हारे लिए खुद ब खुद इंप्रूव होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अगर तुम हिप हॉप को दिखाई करना चाहते हो, वो कर सकते हो साइड चेन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।